है गैस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सो गैस आज मैं शेयर करने वाली अगेन मीशो हॉल और इसमें ना बहुत ही प्यारे प्यारे आउटफिट अपने साथ शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा एंड गैस आज का हॉल ना अगेन रीसेलिंग हॉल है यानी अगर आपको पसंद आता है कोई भी ड्रेस तो आप मेरे से भी ले सकते हो मीशो प्राइस और रीसेलिंग प्राइस दोनों आपको ड्रेस के साथ में ही ना मैं स्क्रीन पर शेयर कर दिया करूँगी आपको मेरे से लेने के लिए करना क्या स्क्रीन शॉट लेना जो भी ड्रेस आपको पसंद आता है और आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है अगर आप इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड गैस चलो मेरे चैनल पे पहली बार आया और आपको हॉल वीडियो देखना पसंद है एंड साथ में अपनी जैन देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पास का नोटिफिकेशन बेल हिट करना बिल्कुल भी ना बोले इससे जो भी फ्यूचर की अपकमिंग होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी एंड गैस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इपिका फैशन विद मी के नेम से सो आप मुझे वहां पर जरूर फॉलो करें सो नो मोर कर इस गेट सो गैस सबसे पहले ना इस ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ स्टार्ट करते हैं ये कुछ इस तरह से जिप लॉक की पैकिंग में आपको मिलेगी सॉरी गैस ये ना ब्लैक कलर नहीं है डार्क नेवी ब्लू कलर है तो ये ना थोड़ा सा ब्लैकिस वाला टाइप का लग रहा है बट ये ना इस तरह से आपको मिलेगी ये ना जैसे पिक्चर में था ना उसी तरह से है बट ये ना आपको स्टिच करवानी पड़ेगी देख सकते हो ये आपको ना इस तरह से ब्लाउज के लिए फैब्रिक दिया हुआ है इसके इसे ना आपको अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवानी पड़ेगी एंड गैस ये इसका दुपट्टा है दुपट्टा आप देख सकते हो इस तरह से सेम कलर में डार्क नेवी ब्लू कलर एंड चारों चारों तरफ आपको ना गोल्डन के इस तरह से लेस मिलेंगे एंड दोनों साइड में ना इस तरह से आपको लटकन मिलेगी दुपट्टे का लेंथ आपको ढाई मीटर मिल जाता है एंड जो ये मटेरियल है ना ये जॉर्जेट का मटेरियल है एंड गैस ये आपको ना बेल्ट के लिए इस तरह से दिया हुआ है बहुत ही सुंदर लगेगा आई होप सो बनने के बाद ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा एंड गैस ये इसका ना ये इतना फैब्रिक आपको दिया गया है बैक साइड के लिए एंड स्लीव्स के लिए एंड गैस ये इसका ना स्कर्ट है एक तरह से लहंगा वाला टाइप का है इस तरह से ये आपको इस तरह से ये भी सेमी स्टिच है देख सकते हो यहाँ से ओपन है सो so, गैस ये जो मटेरियल है ना ये जॉर्जेट का मटेरियल है एंड ये ऊपर में आप देख सकते हो बेल्ट बेल्ट साइज अगर देखा जाए ना तो ये एक्सेल तक को अप्रोप्रिएट है लेंथ आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा एंड नीचे में देखो इस तरह से आपको इसकी स्टिचिंग मिलेगी इंटरलॉक टाइप की एंड अंदर में ना आपको एक सिंगल साइड इनके फैब्रिक की लाइनिंग मिलेगी दस सीट एंड बैक साइड के लिए ना आपको इस तरह से फैब्रिक मिलेगा देख सकते हो तो इस पर ना आपको जरी का वर्क मिलेगा ये मैं आपको दिखाना भूल गई क्योंकि ये मेरे से ना घिरी गया था सो so गैस ये तो टोटल इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी अच्छा है जॉर्जेट मटेरियल है तो भी अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक बनने के बाद और भी खूबसूरत लगेगा सो so गैस जो नेक्स्ट वन है ना ये कुछ इस तरह से ब्लू कलर का आउटफिट है चलिए देख लेते हैं ये क्या रिसीव हुआ है सो so गैस ये ना लहंगा है कुछ इस तरह का इसका ना पहले मैंने एक बार आपको दिखाया था वीडियो के जो पिक्चर्स होते हैं उसमें तो ये ना मुझे अब रिसीव हुई है तो गैस देख सकते हो ये ना ब्लाउज के लिए इस तरह से फैब्रिक दिया हुआ है इस पर ना आपको इस तरह से सिक्वेंस का एंड धागे का वर्क मिलेगा ये नेट का मटेरियल है इस तरह से एंड इस तरह से थोड़ा सा और फ़ैब्रिक आपको नेट का ही मिल जाता है एंड गैस अंदर के लाइनिंग के लिए ना भी आपको इस तरह से सेटिंग के फैब्रिक दिया हुआ है एंड गैस ये इसका दुपट्टा है दुपट्टा आपको ना इसी तरह से मिलेगा देख सकते हो चारों तरफ इस तरह से है एंड इसमें ना बीच बीच में सीक्वेंस का वर्क किया गया है एंड दुप... दुपट्टे का जो लेंथ है ना ये आपको ढाई मीटर मिलेगा एंड देखोगे आप ना साइड में आपको चारों तरफ इस तरह से ना सेटिन का फैब्रिक लगाया गया है चारों तरफ इसी तरह से पूरा वर्क है इस पर एंड गैस ये इसका लहंगा है ये लहंगा क्या लगता है ना जितना पे करा है ना उसके हिसाब से ये बहुत ही बकवास है तो अगर आप ये वाला लहंगा ट्राई करना सोच रहे हो ना तो मत लेना मैं तो यही कहूँगी ये बस लुक वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है बट अगर देखा जाए प्राइस वाइज़ और एंड इसका जो घेरा होगा ना वो भी मुझे नहीं लगता इतना आएगा बाकी आप ट्राई ऑन में तो देख ही लेना ये कैसा लग रहा है बेल्ट पे आपको सीक्वेंस का वर्क मिलेगा सुंदर सा एंड पूरे पे आपको इस तरह से सीक्वेंस का ही वर्क मिलेगा सीक्वेंस का एंड थ्रेड का वर्क मटेरियल ऊपर का ना नेट का मटेरियल है एंड नीचे में भी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी की गई है बट इसमें ना आपको सिर्फ सेटिन का एक अंदर में इस तरह से लाइनिंग मिलेगी और इसमें कैन कैन कैनवास कुछ भी यूज नहीं करा गया है तो गैस ये ना मैं कहूँगी आप बिल्कुल भी मत लेना बट अगर आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ढूंढ रहे हो कुछ कुछ सिंपल टाइप का ना तो आप इसको ले सकते हो एंड गैस जो नेक्स्ट वन है ना ये येलो कलर का आउटफिट है देख सकते हो तो ये भी जिप लॉक की पैकिंग में आई है सी सो कैस ये ना सरारा सेट है और इसके साथ में इस तरह से सेम येलो मस्टर्ड येलो कलर में ना आपको दुपट्टा रिसीव होगा दुपट्टे के चारों तरफ आप देखोगे ना इस तरह से गोल्डन का लेस लगा हुआ है एंड बीच बीच में ना आपको इस तरह से जरी का वर्क भी देखने को मिलेगा दुपट्टे का लेंथ आपको सिर्फ दो मीटर मिलता है बट विथ इसकी काफ़ी अच्छी है एंड कैस ये इसका कुर्ता है देख सकते हो कितना क्यूट सा है एंड कैस ये ना फ्री साइज में मेरे पास में है देख सकते हो इस पर जरी का वर्क हुआ है एंड सिक्वेंस का वर्क किया गया है पूरे कुर्ते पे ना आपको इसी तरह से वर्क मिलेगा एंड नीचे में आप देखो इस तरह से मल्टी कलर इस तरह से कह सकते हो तो कि पूरा वर्क किया गया है धागे का वर्क है एंड सीक्वेंस का भी वर्क है नीचे में ना आपको इस तरह से मोती का वर्क मिलेगा देख सकते हो ये लेस लगाया गया है मोती वाला और ये मोती भी ना कलरफुल है बहुत ही सुंदर घेरा इसका आ रहा है और अंदर में ना आपको एक लाइनिंग भी मिलेगी इस तरह से सैटिन के फैब्रिक का आपको लाइनिंग मिल जाएगी एंड जो इसकी स्टिचिंग है ना वो आपको फ्री स्टिचिंग मिलेगी इस तरह से सो तो गैस ये ना फ्री साइज़ में है तो ये किसी भी साइज़ को हो सकता है आप स्मॉल साइज़ एम साइज़ लेते हो ना तो ये सभी के लिए प्रॉपर है तो अगर आप किसी भी साइज़ को और लेना चाहते हो तो ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग फिट करवा सकते हो एंड गैस अगर आप स्लीवलेस नहीं प्रेफ़र करते हो ना तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ना फैब्रिक भी मिल जाता है स्लीवस के लिए अगर आप स्लीवस लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो एंड गैस ये इसका सरारा है देख सकते हो ये पूरी स्टिच होके आई है ऊपर में अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक यूज करा गया है एंड ये इसका सरारा देख सकते हो पूरा सेम येलो कलर में ही है एंड यहाँ से आपको इस तरह से पूरा इसका वर्क देखने को मिलेगा सेम जैसे कुर्ते में है एंड नीचे में आपको ना मोती का वर्क भी देखने को मिलेगा ये गोल्डन मोती लगाए गए हैं एंड गायज रियलीज़ टू गुड फ्लेयर इसका काफ़ी ज़्यादा है और अंदर में ना आपको एक सेटिन के फैब्रिक का लाइनिंग भी मिल जाएगा एंड जो इसके स्टिचिंग है वो इसके भी स्टिचिंग आपको इस तरह से फ्री साइज़ में मिलेगी तो so गैस ये ना मैं हाईली रिकमेंड करूँगी और येलो कलर में सरारा से ढूँढ रहे तो ज़रूर ट्राई करना इसको बहुत ही सुंदर है ये एंड गैस जो नेक्स्ट वन है ना ये एक साड़ी है सीक्वेंस वाली साड़ी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए सो so गैस ये भी ना जिप लॉक की पैकिंग में आपको मिलेगी एंड इसमें ना आई थिंक दो या तीन कलर्स अवेलेबल हैं आप मैं इसका कोड ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको ये पसंद आता है और आप लेना चाहते हो ना तो आप कोर्ट से जाके ले सकते हो और अगर आपको कोर्ट से नहीं मिल रहा है ना तो आप जस्ट स्क्रीन लो मैं पिक्चर साइड में लगा रही हूँ स्क्रीन शॉट लो क्रॉप करो एंड देन आप मीसो पे जाके सर्च करो आपको उसी तरह से और भी सेलर के पास से मिल जाएंगे तो गैस ये पूरा ना साड़ी इसी तरह से फुल प्लेन है देख सकते हो पूरा सिक्वेंस का वर्क है एंड ये ना ये आपका पल्ला साइड है देख सकते हो पूरा सिक्वेंस का वर्क इस पर है एंड इसी तरह से पूरा आपको वर्क मिलेगा बॉर्डर के साथ में देख सकते हो इस तरह से पूरा वर्क है इस पर एंड कैस ये पूरा ना पूरे साड़ी पे इसी तरह से फुल सीक्वेंस का वर्क आएगा एंड मैं पहन के भी दिखा दूंगी अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हो और यहाँ से आपको इस तरह थोड़ा सा प्लेन मिलेगा एंड ये इसका ब्लाउज का फैब्रिक है जो ब्लाउज का फैब्रिक है ना ये रनिंग सिल्क का फैब्रिक है एंड इस पे ना ब्लैक कलर के ही सिरोस्की का वर्क हो रखा है पूरे ब्लाउज पे इसी तरह से हुआ है तो अगर आपको ये पसंद आ रहा तो जरूर लेना और ब्लैक कलर में ना तो बहुत ही प्योरिटी है ये मटेरियल भी इसका काफ़ी अच्छा है तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो जरूर ट्राई करना ये भी मेरा मेरे पास में रीसेलिंग में है तो अगर आप रीसेलिंग में लेना चाहते हो मेरे से तो ले सकते हो मीसो प्राइस और रीसेलिंग प्राइस दोनों आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी सो सगैस ये थी आज की हॉल वीडियो आपको हॉल वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करके जाना so, मिलते हैं आपसे कल एक नए हॉल वीडियो के साथ में तब तक अपना ख्याल रखिए टेक केयर एंड बाय बाय